नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा बाय नागेंद्र यादव में आपका स्वागत है। मैं यह रिसर्च की पास्ट 16 वीडियो लेकर आया हूं और इसमें DU यूनिवर्सिटी में आए हुए रिसर्च पेपर का साल पेपर है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसमें दिए हुए संबंधित जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करके आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाई ए पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी किसी व्यक्ति को उसके एट्रीब्यूट, उसकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना एक उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है, यानी एक बार फिर से बता दें कि किसी व्यक्ति की विशेषताओं के आधार पर उसका वर्गीकरण करना एक उदाहरण एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल क्या होता है, मान लीजिए 100 पॉपुलेशन है, उसमें से 10 लोग को मैंने निकाल लिया और 10 लोग निकाल लिए, वही आप पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी विशेषताओं को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके गुणों को रिप्रेजेंट करेंगी, तो उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। अब ऑप्शन नंबर ए में है, 1 में है कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं, जिसको हम कंप्लीट वर्ड में नहीं लिखते, कंप्लीट अंकों में नहीं लिखते हैं, जैसे 1.5, 2.6, यानी कि हम जब कोई चीज़ वेट मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, तो कंटिन्यूस वेरिएबल उसको बोलते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल, कैटेगोरिकल का मतलब कि कैटेगराइज करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल जिसको हम कंप्लीट वर्ड में लिखते हैं, कंप्लीट अंकों में लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कंटिन्यूस वेरिएबल है, कौन सा डिस्क्रीट वेरिएबल है। जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोग को, 100 व्यक्तियों को हम काउंट ही करेंगे, ना कि उसको पॉइंट में लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लें, शॉर्ट कर लें, क्योंकि लेंथी बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी इन्वॉल्व सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, यानी कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी वैलिडिटी है जो एक सिस्टमेटिक, एक क्रमबद्ध तरीके से एग्जामिनेशन करती हैं, परीक्षण करती हैं, ऑफ द टेस्ट, किसी टेस्ट का, किसी व्यक्ति के बिहेवियर को मेजर करने के लिए, कौन सी वैलिडिटी का टाइप है जो सिस्टमेटिक उसके बिहेवियर को मेजर करती है, उसके विशेषताओं का रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, यानी कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट का मतलब होता है सूची, कोई चीज़ सूची दी गई है, उससे जब हम मैचिंग करते हैं उसकी विशेषताओं का, उसके आधार पर मैचिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी। इसी तरह फेस वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, ये सब वैलिडिटी के टाइप है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपलिंग इन द सर्वे रिसर्च डिपेंड अपॉन, कहा है कि सर्वे रिसर्च में, सर्वे का मतलब कि जो प्रेजेंट स्टेटस को बताता है, वर्तमान स्थिति को बताता है, तो सैंपलिंग इन द सर्वे, सर्वे रिसर्च में जो सैंपलिंग होती है वो आधारित होती है, सर्वे रिसर्च में सैंपलिंग आधारित होती है किस पे, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रिंसिपल ऑफ रैंडोमाइजेशन है ये ओनली, यानी कि रैंडोमाइजेशन का मतलब कि यादृच्छिकी आधार पर केवल आधारित होती है, यादृच्छिकी सिद्धांतों पे आधारित होती है। जो सर्वे रिसर्च होता है वर्तमान स्थिति को बताता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि सर्वे क्वेश्चन पूछा है कि सर्वे रिसर्च क्या बताता है, तो वर्तमान स्थिति को बताता है। और यह जो आधारित होता है रैंडोमाइजेशन, केवल रैंडोमाइजेशन सिद्धांत पे आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग टेक्निक द रिसर्चर हैज एन अनलिमिटेड ऑप्शन इन टर्म टू सैंपल साइज एंड सैंपलिंग शेड्यूल, मतलब कि कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सैंपलिंग टेक्निक है, जिसमें रिसर्चर अनलिमिटेड ऑप्शंस को,
अनलिमिटेड जो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं उनको सैंपल साइज में एक शेड्यूलिंग करता है, एक सैंपल साइज में बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, सिक्वेंशियल सैंपलिंग। सिक्वेंशियल सैंपलिंग तो आपको बता दें कि ये सैंपलिंग का टाइप है। और किस टाइप का ये सैंपलिंग है, देखिए कन्वेनियंस सैंपलिंग जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, सिक्वेंशियल सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, कंसेक्वेंस कंजर्केटिव सैंपलिंग ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी है, और क्वोटा सैंपलिंग ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो सैंपलिंग दो टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ये चारों सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टडी इन विच डू नॉट नो वेदर दे आर रिसीविंग द एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। यानी कि कहा है कि एक स्टडी में अगर कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो रिसीव करने वाला है, एक्सपेरिमेंट रिसीव करने वाला है, उसे यह नहीं पता है कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है, तो उसको कौन सी स्टडी बोलते हैं, तो उसको ब्लाइंड सेटअप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ब्लाइंड सेटअप। ब्लाइंड सेटअप का मतलब होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी जो कंट्रोल वेरिएबल है, ट्रीटमेंट है, उस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं हो रहा है कि वो किस टाइप का रिसीव कर रहा है, क्यों रिसीव कर रहा है एक्सपेरिमेंट, तो उसको ब्लाइंड सेटअप कहते हैं। और जब ट्रीटमेंट रिसर्चर और सब्जेक्ट दोनों को नहीं पता होता है, तो उसको डबल ब्लाइंड सेटअप बोलते हैं। जब रिसर्चर और सब्जेक्ट दोनों को पता नहीं चलता है कि यह किस लिए स्टडी हो रही है, तो उसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड सेटअप। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन इन विच द एक्सपेरिमेंटर ट्राई टू फिट द डिजाइन टू रियल वर्ल्ड सेटिंग व्हाइल स्टिल कंट्रोलिंग एज मेनी ऑफ द ट्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी एज पॉसिबल इज इन कॉल्ड। कहा है कि जब रिसर्च डिजाइन में एक सत्यपूर्ण ट्रूअली एक्सपेरिमेंट सेटिंग की जाती है, एक सत्यता की सेटिंग की जाती है, सेटअप किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वैसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। उसको बोलते हैं क्वैसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्वैसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऐसी डिजाइन है जो ग्रुप का वास्तविक रूप से, जो ग्रुप, जो सत्यता है, जो सत्य चीज़ है, उसी का वो डिजाइन करके, ग्रुप में डिजाइन करके एक्सपेरिमेंट करता है, और ये काज और इफेक्ट के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्वासी एक्सपेरिमेंट डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अ फैक्टर दैट कुड अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बट दैट इज नॉट इंक्लूड आर कंट्रोल इज कॉल्ड। कहा है कि एक ऐसा फैक्टर जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच प्रभाव डालता है, लेकिन इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं क्या, एक्सट्रानियस वेरिएबल। यानी कि जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप पे प्रभाव डालता है, इसे लेकिन इसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं कंट्रोल में, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल का मतलब बाह्य वेरिएबल, बाहरी। जिस प्रकार मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करेंगे तो हमको हमारा नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज और स्टडी क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और नॉलेज डिपेंडेंट वेरिएबल है। जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारा नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन उसमें थकान, उसमें बीमारी, उसमें निद्रा, ये एक्सट्रानियस वेरिएबल है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट इन कंडक्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज बाई द साइकोलॉजिस्ट इन कंडक्टिंग क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक रिसर्च। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी स्टडी है, मेथड्स है,
जो साइकोलॉजिकल स्टडी में नहीं यूज करते हैं, गुणात्मक रिसर्च में नहीं यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल, हम क्वालिटेटिव की बात नहीं करते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बताए भाई कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है जिसमें कुछ संभावनाएं होती हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी में जिसमें संभावनाएं नहीं होती है। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, टेक्निक नहीं है। तो इसमें आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, और बाकी 3 सिक्वेंशियल, कंजुकेटिव और कोटा, ये सब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। नॉन प्रोबेबिलिटी का और क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए रिसर्च विच सीक्स सम इमीडिएट प्रैक्टिकल आउटकम, द स्टूडेंट टिपिकली विशेष टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कहा कि ये रिसर्च एक ऐसा रिसर्च जिसमें हम तुरंत प्रैक्टिकली रूप से यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्लाइड रिसर्च। जब हम प्रैक्टिकली रूप से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। बेसिक रिसर्च का दूसरा नाम प्योर रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक रिसर्च, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन रिव्यू ऑफ लिटरेचर देयर आर सर्टेन पब्लिश स्टडी दैट रिलेटेड डायरेक्टली टू द टॉपिक अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड आर सो सिमिलर टू द सब्जेक्ट आर कॉल्ड। कहा है कि जब रिलेटेड यानी कि साहित्य से संबंधित, जब हम रिलेटेड साहित्य से संबंधित जब हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, पब्लिश करते हैं, और वो डायरेक्टली टॉपिक से, जो टॉपिक दी है उसी के संबंधित हो, डायरेक्ट टॉपिक से संबंधित हो या उसके सिमिलर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल लिटरेचर। क्रिटिकल लिटरेचर ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, ए टेक्निक फॉर मेजर ऑफ एट्रीब्यूट वेयर इच रिलेवेंट स्टेटमेंट अलाउ फॉर 5 डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम मोस्ट लिस्ट फेवरेबल इज कॉल्ड। कहा है कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें एट्रीब्यूट विशेषताओं को मापन किया जाता है और वह कितने 5 डिग्री में मापन किया जाता है, तो उसको कौन सी टेक्निक बोलते हैं? लिकर्ट स्केल टेक्निक। जब हम किसी एटीट्यूड्स को हम 5 डिग्री रिस्पांस में मापन करते हैं और उसके लिए वो फेवरेबल होती है, अच्छी होती है और वो अलाउ करती है, तो उसको बोलते हैं लिकर्ट स्केल। ऑप्शन नंबर 3 सही है, लिकर्ट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च इन विच सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप आर सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू एसेस द इफेक्ट ऑफ मैच्योरेशन। रिसर्च इन विच सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम डिफरेंट जब विभिन्न एज ग्रुप के पार्टिसिपेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक ऑर्डर में हम उनका इफेक्ट को देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब क्रॉस सेक्शनल की स्टडी के मतलब कि डिफरेंट एज के बच्चे हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे को ऑर्डर सीक्वेंस में जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं, उसका इफेक्ट देखते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी क्या होती है? कि जब एक ही सेम एज के बच्चे पे जब हम लंबे समय तक उसका इफेक्ट देते हैं, जैसे कोई बच्चा है 5 साल का, 5 साल में कैसा था, उसके बाद उसका 10 साल का बिहेवियर देखेंगे, 10 साल बाद, उसके बाद 15 साल बाद, उसके बाद 20 साल बाद, उसके बाद 25 साल बाद, तो जब
एक ही सब्जेक्ट पे हम लंबे समय तक उसका इफेक्ट देखते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, केस स्टडी। किसी भी नीट का, किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का, चाहे किसी भी व्यक्ति का डीप अध्ययन, उसको केस स्टडी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए स्केल विच हैज नॉन ग्रेडियंट क्लासिफिकेशन, नॉन ग्रेडियंट क्लासिफिकेशन, दैट इज देयर इज नो न्यूमेरिकल बेसिस ऑफ ग्रुपिंग स्कॉर्ड। कहा है कि एक ऐसी स्केल जो न्यूमेरिकल बेस पे ना आधारित हो, समूह पे ना आधारित हो। न्यूमेरिकल मतलब कि डाटा पे 1, 2, 3, 4, 5 जिसे काउंट किया जा सके, ना आधारित हो, उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट स्केल। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट स्केल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल जो है ये भी डाटा पे आधारित है। कंटिन्यूअस वेरिएबल जिसमें हम पूर्ण रूप से नहीं लिख सकते हैं, जिसे पॉइंट में लिखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का वजन हो गया 4.5 किलो, 5 किलो, 5.5 किलो, 5 किलो, 100 ग्राम, और डिसकंटिन्यूअस हो गया नॉन पैरामेट्रिक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसी तरह मैं कंटिन्यू करूँगा। अब वीडियो को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 15, ए डाटा मेजर अलॉन्ग ए स्केल इन विच इच पोजिशन इज इक्वा डिस्टेंस फ्राम वन अनोदर। कहा है कि एक ऐसा डाटा, एक ऐसी स्केल जिसमें हम किसी पोजिशन को मेजर करते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे मेजर करते हैं, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे जब मेजर करते हैं और एक गैप में मेजर करते हैं तो उसको कौन सा स्केल बोलते हैं? तो इंटरवल डाटा बोलते हैं, इंटरवल स्केल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, इंटरवल स्केल। अब रेशियो स्केल सबसे अच्छी स्केल होती है, और नॉमिनल स्केल जिसमें नाम नॉमिनिक्लेचर किया जाता है, ऑर्डिनल स्केल जिसमें क्रम बनाया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस तरह मैंने 15 क्वेश्चन को कवर किया, और इसी तरह वीडियो मैं आप लोग के बीच लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।